हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सबको स्वागत है एसके बी टेक में। आज हम आपको कोणार्क टेम्पल के बारे में बताएंगे, जो बहुत सारे रहस्य। चलिए, कोणार्क टेम्पल के बारे में आपको बताती हूँ, आगे आगे चलिए, वीडियो देखते जाइए। सूर्यदेव को समर्पित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ओडिशा राज्य के पूरी जिले में स्थित ये मंदिर सूर्यदेव के अलंकृत रथ के आकार में निर्मित है। मगर यदि हम आपको ये बताएं कि इस मंदिर और इसके इतिहास के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी है जिसके बारे में आज भी कईयों को मालूम नहीं है। तेरहवीं शताब्दी में पूर्वी गंगा शासक नरसिम्हदेव प्रथम द्वारा निर्मित कोणार्क सूर्य मंदिर कलिंग स्थापत्य के बेहतरीन उदाहरणों में गिना जाता है। ये मंदिर करीब 100 फीट ऊंचा है। इस मंदिर में 24 विशाल नक्काशीदार पहिए हैं, जिनको 7 दौड़ते घोड़ों द्वारा खींचा जाता है। आइए हम आपको इससे जुड़ी कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उन चंद मंदिरों में गिना जाता है जहां एक जिराफ की आकृति मौजूद है। स्टोन पैनल में निर्मित इस चित्र में एक व्यापारी द्वारा एक शासक को जिराफ भेंट करते देखा जा सकता है। हालांकि ये बात आज तक स्पष्ट नहीं हुई है कि इसमें किस शासक या फिर किस घटना को दर्शाया गया है। मगर चूंकि जिराफ सिर्फ अफ्रीका में ही पाया जाता है, ये आकृति इस तथ्य की साक्षी है कि ओडिशा और अफ्रीका के बीच सक्रिय व्यापारिक संबंध थे। आज जो हम कोणार्क सूर्य मंदिर का परिसर देखते हैं, वो दरअसल एक जमाने में काफी विशाल था और ये कई शताब्दियों तक कायम रहा। अगर सिर्फ कोणार्क सूर्य मंदिर पर गौर करें तो इसका शिखर एक जमाने में इतना ऊंचा था जिसके कारण मंदिर की मौजूदा ऊंचाई दुगनी हुआ करती थी। अबुल फजल द्वारा 16वीं शताब्दी में लिखी ऐन अकबरी में इस मंदिर के विशाल रूप का जिक्र किया गया है, जो हर सैलानी को आकर्षित करता था। कोणार्क सूर्य मंदिर और इसके परिसर कैसे अपने मौजूदा रूप तक पहुंचे, ये आज एक रहस्य है। मगर उस सुनहरे काल के अवशेष आज इस मंदिर और इसके परिसर में मौजूद माया देवी और वैष्णव मंदिरों में देखा जा सकता है। 16वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी के बीच कई यूरोपीय नाविकों और मल्लाहों ने कोणार्क सूर्य मंदिर का जिक्र एक ब्लैक पैगोड़ा के तौर पर किया था। कारण ये था कि उसकी संरचना एक पैगोड़ा या बौद्ध मंदिर से मेल खाती थी और ये एक दूरी से काले रंग का दिखता था। ये कई जहाजों और नावों के लिए एक लाइट हाउस या फिर तट पर मौजूद एक निशान के तौर पर भी मददगार साबित होता था। जहां एक तरफ कोणार्क सूर्य मंदिर की संरचनाओं ने कई प्रमुख भारतीय स्मारकों और धार्मिक स्थलों की तरह भारतीय संविधान में रेखांकित चित्रों को प्रेरित किया है, वहीं इस मंदिर में मौजूद सूर्य देवता के विशाल रथ में अलंकृत पहियों में से एक को आज के मौजूदा 10 रुपए नोट में देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर का जुड़वा ग्वालियर में है? मशहूर उद्योगपति घनश्याम दास बिरला द्वारा सन 1980 के दशक में निर्मित ग्वालियर के सूर्य मंदिर का निर्माण कोणार्क के सूर्य मंदिर के वास्तु योजना की तर्ज पर किया गया था। लाल बालू पत्थर से निर्मित ये मंदिर एक बाग से घिरा हुआ है जिसको सूर्यवन के नाम से जाना जाता है। आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज कोणार्क सूर्य मंदिर भारत और अन्य देशों से आए हर सैलानी और कला प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में दर्ज कोणार्क सूर्य मंदिर। वीडियो तो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय जगन्नाथ।